ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय जल मिशन की मिशन डायरेक्टर अर्चना वर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। जल है तो कल है। दुनिया का 70% हिस्सा पानी से घिरा है, लेकिन उसमें से पीने योग्य पानी लगभग 3% ही है। 140 करोड़ से अधिक की आबादी के बावजूद भारत के पास दुनिया के ताजे जल संसाधन का सिर्फ 4% ही है। आंकड़े बताते हैं कि 2050 तक दुनिया के साथ साथ भारत में भी पानी की बेहद कमी होने की उम्मीद है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जल के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और उन उपायों के क्या सकारात्मक परिणाम अब तक हमें मिले हैं। आज चर्चा इसलिए क्योंकि आज दुनिया भर में विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जल मिशन की मिशन डायरेक्टर अर्चना वर्मा। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद। नमस्ते मैम। शुक्रिया। आज जल संरक्षण दिवस पर मैं अपनी शुभकामनाएं हमारे श्रोतागण देना चाहूंगी। सबसे पहले अर्चना जी, आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम जल की समस्या की बात करते हैं, जल संकट की बात करते हैं, तो आखिर ये जल संकट की मौजूदा स्थिति जो उत्पन्न हुई है, उसके पीछे किन कारणों को आप जिम्मेदार मानती हैं? एक तो हमारी बढ़ती आबादी, जो कि बहुत प्रेशर डालती है हमारे जो पानी के रिसोर्सेज हैं। दूसरा जो उनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे सूखा कहीं पे बाढ़, तो ये जो अनइवन हमारे जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत बड़ा कारण। दूसरा क्लाइमेट चेंज, ये तो है ही। फिर जो हमारा ग्राउंड वाटर है, उसका हम लोग जो है बहुत ही ओवर एक्सट्रैक्शन किए हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए किए हैं, इंडस्ट्री के लिए किए हैं, और इससे हमारे जो एक्यूफर्स हैं बहुत ही डिप्लीट हो गए हैं। तो ये जो अनसस्टेनेबल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर प्लस पोल्यूशन तो है ही, जो हमारी नदियां हैं उनसे जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज निकलता है, जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, जो वो भी क्लीन पानी को कम कर देता है। प्लस वाटर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसके एक पानी की तरह इंस्टीट्यूशनल कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, तो उससे इनएफिशिएंसी बढ़ती है। हमारे पास थोड़ा इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वाटर स्टोरेज है जी। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये तो एडिशनल स्ट्रेस करता है हमारे ऑलरेडी स्ट्रेस्ड वाटर रिसोर्सेज पे। तो इस संकट से दूर करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स सरकारें हैं वो कर रही हैं, पर सबसे पहला जो इनिशिएटिव्स है वो है वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, खेती के सेक्टर में हो, या इंडस्ट्री के सेक्टर में हो, या हाउस होल्ड घर के लेवल पे हो, उससे वाटर कंजम्पशन कैसे कम है इसको प्रमोट करना बहुत जरूरी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपना ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। सो ये सब कुछ रीजंस है। वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज, ये हमारे 5 R's हम कहते हैं कि रीयूज, रिड्यूस, रिचार्ज, रिसाइकल एंड रिस्पेक्ट। पानी के लिए श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि पानी जो एक लिमिटेड रिसोर्स है, जो कि अगर हम ठीक से यूज ना करें तो वो कम हो सकता है। और फिर जन जागरण तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहेवियरल चेंज के लिए। सो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स मेजर्स हैं जो कि हमें वाटर स्केयरसिटी को कम करने में मददगार हो सकते हैं। जी बिल्कुल। जब समस्या आती है तो हम समाधान की तरफ भी जाते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि लंबे समय से भारत में जल संरक्षण को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, उन तमाम प्रयासों में एक जो बहुत लोकप्रिय प्रयास है, या यूं कहें कि जिसकी तरफ ध्यान सबसे पहले जाता है, वो कैच द रेन कैंपेन है। थोड़ा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं। कैच द रेन कैंपेन जो है वो जल शक्ति अभियान का पार्ट है। जल शक्ति अभियान 2019 में लॉन्च किया, और ये बेसिकली मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जन आंदोलन फॉर जन आंदोलन। इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप जो समुदाय को पुनर्शिप कराएं और उनके एक्शन से जितने भी वाटर कंजर्वेशन, जल संचय, ये जितने भी एक्टिविटीज
उसमें कम्युनिटी का रोल सबसे ज्यादा महत्व रखता है। जो एक्टिविटीज हैं हमारे जल शक्ति अभियान के, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को बिल्ड करना और ट्रेडिशनल वाटर बॉडी जैसे हमारे पॉन्ड लेक ये करना, हमारे जो वाटर स्ट्रक्चर्स हैं जो ट्रेडिशनल जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं जो सालों से चल रहे हैं उनको फिर से रिजुविनेट करना, उनके लिए काम करना और लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन करना, जल शक्ति केंद्र बनाना जिससे लोगों को सहायता मिले कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। देन मनरेगा के साथ मिलके हमने अमृत सरोवर्स बनाए हैं, नए अमृत सरोवर्स बनाए हैं और बहुत सारे पुराने वाटर स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम लोग रिजुविनेट भी किए हैं एंड मोर देन 1.36 करोड़ ट्रीज प्लांट किए गए हैं। बिकॉज ट्री प्लांट करने से क्या होता है, सॉयल मॉइस्चर अच्छा होता है, वाटर रन ऑफ कम हो जाता है एंड 4.5 करोड़ लोगों को हमने वेरियस इवेंट्स में पार्ट कराया है। और डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन प्लान की आप डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन प्लान बनाएं ताकि लोगों को मदद मिल सके। इस साल हमारा नारा है जल शक्ति अभियान कैच द रेन का कि नारी शक्ति से जल शक्ति, क्योंकि नारी को सबसे ज्यादा असुविधा होती है पानी लेके। इसलिए अगर हम अपना पूरा कैंपेन जो है इस बार हम चलाना चाहते हैं कि नारी जो हमारी है वो कैसे एक लीडरशिप पोजीशन प्रोवाइड कर रही है इस पूरे मूवमेंट को, ऑलरेडी सरपंच हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, SHGs हो, इन लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व है हमारे वाटर कंजर्वेशन में जल संचय के लिए, तो इनको और बल देना हमारे इस साल के कैंपेन का मुख्य ऑब्जेक्टिव है। कार्यक्रम में आगे बढ़े तो एक आंकड़ा ये कहता है कि भारत में एक वर्ष में उपयोग किए जाने वाले जल की शुद्ध मात्रा लगभग 1121 बिलियन क्यूबिक मीटर है और 2050 तक बढ़कर 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकती है। जब ये आंकड़े हमारे सामने आते हैं अर्चना जी, तब इसमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं। कैसे देखती हैं आप जलवायु परिवर्तन की घटना को और बदलते पर्यावरण के परिवेश को? बदलते पर्यावरण के परिवेश और जलवायु परिवर्तन बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं वाटर स्केर्सिटी। बिकॉज एक तो क्या होता है कि वर्षा जो है बहुत ही इरेटिक पैटर्न दिखाती है जब आपका जलवायु परिवर्तन होता है, और कहीं पे सूखा पड़ता है, कहीं पे फ्लडिंग होती है। फिर हमारे जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है, वो मेल्ट करने लगते हैं और राइज टेम्परेचर करने लगता है जलवायु परिवर्तन के कारण। इससे हमारे नदियों में पानी की कमी आ सकती है ड्राई सीजन। फिर हमारे यहाँ जो इंटेंसिटी ऑफ सूखा है वो भी जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ सकता है। देन हमारे यहाँ जो सी लेवल राइज, ये भी क्लाइमेट चेंज से बहुत एडवर्सली इफेक्ट होता है, क्योंकि जो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन है हमारे कोस्टल एक्वीफर्स में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे फ्रेश वाटर सोर्सेज ये कर सकते हैं, अनयूजेबल कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए या इवन डोमेस्टिक के लिए। फिर हमारे यहाँ इंक्रीज्ड इवेपो ट्रांसपिरेशन से, ये जलवायु परिवर्तन के ही चलते होता है। इससे क्या होता है कि लॉस फ्रॉम सॉयल प्लांट वाटर बॉडी ज्यादा फास्टर पेस पे होती है और इससे वाटर स्ट्रेस जो है और बढ़ जाता है। देन डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना, मिट्टी का इरोड होना, ये सब जो है कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। पोल्यूशन जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है और वाटर स्केर्सिटी को, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और एग्रीकल्चर जो रन ऑफ है, जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ये करते हैं, वो अनट्रीटेड जो सीवेज का पानी है वो कंटेमिनेट करता है सर्फेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्स और उसको आदमी के कंजम्पशन के लिए कम हो जाता है। इन दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे वाटर स्केर्सिटी इम्पैक्ट करने के लिए एडवर्स। भारत में कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि कई राज्यों में कुछ एक स्थानों पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, या फिर हम ये भी देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में कि जो भूजल का स्तर है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। इनके लिए तकनीक के स्तर पर और रणनीति के स्तर पर क्या कुछ नया करने की जरूरत है और किस दिशा में प्रयास चल रहा है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे।
सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अभी आंकड़े हमारे ग्राउंड वाटर असेसमेंट के आए हैं के अकॉर्डिंग हमारा जो जल का स्तर है वो बढ़ा है, अराउंड 11 BCM बढ़ा है, और जो हमारे रिस्क वाले एरियाज हैं वो घटे हैं। तो क्योंकि हमारे जो इतने इनिशिएटिव्स हुए हैं उनके चलते भी ये स्तर जो है ये थोड़ा बढ़ा है, सो मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरे कंट्री में भूजल का स्तर गिरा है। हाँ, कुछ प्रदेशों में निश्चय ही भूजल का स्तर ज्यादा गिरा है, और जहाँ तक तकनीकी इनोवेशंस और रिस्पांस का सवाल है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अपने जो संपदा है पानी की उसको हम मॉनिटर करते हैं, वो ड्राउट को सूखे को ये करता है प्रिडिक्ट करने में, और वो ज्यादा कोई भी डिसीजन लेने में ज्यादा डेटा ड्रिवन होता है। देन स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है जो सीधे रूट ऑफ प्लांट को जाके पानी देता है, तो उससे भी सिग्निफिकेंट पानी का बचत हो सकता है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग और स्टोरेज जो मैंने ऑलरेडी किया कि अगर आपके रेन वाटर को आप संचय करें तो आप या रूफ टॉप पे करें या सरफेस पे करें तो वो भी आप इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, घरों में गार्डनिंग के लिए और बहुत कुछ चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, और नहीं तो भूजल रिचार्ज के लिए भी यूज हो सकता है। और कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट जो लोगों को आइदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन हो या नो विमेन लेड पानी पंचायत हो, उनको अगर हम वाटर मैनेज करने दें तो हमेशा अगर कम्युनिटी एम्पावर्ड होती है और ओनरशिप का है उनका वो ज्यादा अच्छा होता है। जो सिंचाई की टेक्निक है ड्रिप एंड माइक्रो, इससे भी रूट ऑफ द प्लांट तक जाता है तो बहुत पानी की सेविंग हो सकती है। अर्चना जी, जल है तो कल है, भविष्य की पीढ़ी के लिए जल बचा रहे, उन्हें समुचित मात्रा में जल मिले, इसके लिए विश्व जल दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी, और एक विस्तृत और व्यापक परिदृश्य में हम देखें तो हमें क्या करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ी को हम जल का उपहार उसी स्वरूप में दे सकें जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। सबसे आवश्यक है कि पानी को हम रियूज करें, रिड्यूस करें, रिचार्ज करें, रिसाइकल करें, ताकि हम पानी एक ऐसा प्राकृतिक गिफ्ट है जिसे हम वेस्ट ना करें। तो इसके लिए वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस, डिमांड साइड मैनेजमेंट, अब इरिगेशन ही में आप देख लीजिए इतना ज्यादा कंजम्पशन है, अगर हम 20% वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे तो भी बहुत ज्यादा हम पानी के स्तर को जा पाएंगे। अगर हम भूजल स्तर को बढ़ा पाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मशीन्स और चैनल्स है उनको क्लीन करके, अगर हम अपने एक्यूफर्स जो है ग्राउंड वाटर को उसका एक्सट्रैक्शन अगर हम कम कर दें तो बहुत हद तक हमें जो पानी की समस्या आपने बताई वो हमारे फ्यूचर जेनरेशंस के लिए, फ्यूचर पीढ़ी के लिए नहीं आने वाला। और इसके लिए हम सब प्रयास में लगे हुए हैं, बट ये प्रयास सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल बॉडी से नहीं होगा। सब यहाँ पे लोगों का, समुदाय का एकजुट होना कि पानी के लिए सब काम करें, तभी ये संभव है कि हम पानी को अपनी अगली पीढ़ी के लिए बचा पाए। एक आंकड़ा कहता है कि 2 अरब लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। जो श्रोता अपने घर में ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और अर्चना जी की तमाम विश्लेषणों पर गौर कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, ये काम तो समाज और सरकार का है, तो आप नल बंद रख सकते हैं, नहाते वक्त छोटी बाल्टी का प्रयोग कर सकते हैं, गीले कपड़े से कार की सफाई, बाइक की सफाई कर सकते हैं, यूज किया हुआ पानी आप पार्क में डाल सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी तमाम चीजों को करके आप अपने स्तर पर जल संरक्षण कर सकते हैं। कम से कम विश्व जल दिवस पर आप ये शपथ लें, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भी भरता है। अर्चना जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आनंद जी। अभी आप सुन रहे थे भारत में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय जल मिशन की मिशन डायरेक्टर अर्चना वर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।